मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। देश भर में एक दिन में सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में देश में रिकॉर्ड 14,516 नए केस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो 24 घंटे में कोरोना से 375 लोगों की मौत हो गई है। तो देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 3,95,048 हो गई। अब तक देश भर में कोरोना से 12,948 मौतें हो चुकी हैं। देश भर में 2,13,831 कोरोना के मरीज ठीक भी हुए हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़े लगातार देश भर में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें 12,948 लोगों की अब तक कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है और 2,13,831 लोग अब तक ठीक भी हुए हैं। तो देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। देश में एक दिन में सबसे ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें पिछले 24 घंटे में 14,516 नए मामले सामने आए। 14,516 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में रिकॉर्ड सबसे ज्यादा केसेस सामने आए। 375 लोगों की कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटे मौत हुई है। तो आंकड़े लगातार देश भर में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रिकॉर्ड 14,000 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं और ये आंकड़े लगातार देश भर में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है और मरीजों की संख्या में लगातार तेजी से अब इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 14,516 यानी कि 14,500 मामले दर्ज किए गए हैं।